नमस्कार किसान भाइयों, राम राम भाइयों। एक तो आज की वीडियो में आपको 605 टॉप मॉडल दिखाऊंगा जी कि क्या क्या फर्क है जो पंजाब साइड ट्रैक्टर चलते हैं। और भाइयों पूरी ट्रॉली है इसके पीछे। बापू कितने फुट की ट्रॉली? 25 फुट की ट्रॉली है जी। और ट्रॉली के जो टायर है वो 8 टायर है, बिल्कुल है नए टायर लगे। पूरी लोडेड है, इस ट्रॉली की कई वीडियो बनाई है मैंने। सरदार जी पिंड केड़ा? पिंड कीतला दा ट्रैक्टर है जी, पिंड मेरा सतौज है, भगवंत मान वाला। अच्छा, सतौज पिंड है जी, भगवंत मान वाला, ठीक है। ये ट्रैक्टर किन्ने दा जी? ये उत्थे पंजाब दे विच 9 लाख दा जी। 9 लाख रुपए च निकला जी ट्रैक्टर। ते ट्राली? ट्राली पाएगी 11 दी जी। 11 दी, 9 ते 11 किन्ने हो गए? 20 लाख रुपया हो गया पूरा। तो भाई पूरे 20 लाख रुपए का बारदाना है ये, ऐसे ही नहीं है कि भाई वैसे ही। वजन कितना पाया हुआ है जी? 275 क्विंटल तूड़ी। तो भाई 275 क्विंटल बोस है। ये लंबाई कितनी है जी? ये लंबाई बादी बादी है जी, 25 फुट। हाँ, तो नाली पाइप है तो 42 फुट, ठीक है। किन्ने किलोमीटर पै जाता उथो थानू आना? देख लो जी, पैंदा 300 तो जी। 300 किलोमीटर ते तूड़ी लेके आने हो जी है। तो देखो भाईयो ट्रैक्टर है जी, पूरा टॉप मॉडल। और है भी बम्पर लगा रखा है, देखो बम्पर का डिजाइन भी अलग पे है। तो PV13 VP वहां का नंबर है जी। तो ये एयर क्लीनर यहाँ पे जो है ऑयल मस्ट लगा रखा है इन्होंने इसको। सुक्का एयर क्लीनर नहीं चलता जी? इन्हू गर्दे का काम है, सुक्का एयर क्लीनर नहीं चलता? ठीक है ठीक है। तो भाई सुक्का जो है एयर क्लीनर, क्योंकि गर्दे का काम है भूस का। तो ये देखो पूरा एन बढ़िया लगा रखा है जी, ये पाइप पूरा एन दबता नहीं कहीं से भी, एयर वाला ही ये पाइप है। तो भाई इनको जो ट्रैक्टर को शुरू में ही पूरे RPM खोल के रखने पड़ते हैं, डीजल बढ़ा के रखना पड़ता है जी, नहीं तो जो इतने वजन पे इस ट्रॉली पे ट्रैक्टर नहीं चल पाता। और बहुत सारे भाई वहम करते हैं जी साइड गियर का कि जी ये हो जाता है वो हो जाता है। देखो भाई पूरे हैवी ट्रोले पे साइड गियर ट्रैक्टर चल रहा है टॉप मॉडल, और इसके अपने ही नजारा है जी साइड गियर का। भाई प्लेटफॉर्म का भी फर्क रहता है, तो पूरा एन बढ़िया फर्क है जिसका। तो भाई स्टार्ट गियर इधर से न्यूट्रल करके ये स्टार्ट होगा, तो मैं आपको आवाज चेक कराता हूँ जी इसकी, क्योंकि जो इनके किराए वालों के ट्रैक्टर होते हैं जी वो पूरे एन खिंचे तने होते हैं। तो भाई एक बार स्टार्ट करके देखते हैं ट्रैक्टर को। 445 घंटे ट्रैक्टर चल चुका है। तो भाई पूरा है तगड़ा हिसाब किताब बना रखा है ट्रैक्टर। भाई तेल वगैरह बढ़ा के RPM खोल के बापू टॉप गियर फड़ लैंदा ट्राले ते, मोशन फड़ा के ड्राइवर दे उत्ते गल आ ना। चलाउने किवें हो जी इहनू? तो भाई पूरा ट्रैक्टर है उछल उछल के जा रहा, क्योंकि डीजल की सप्लाई वगैरह बढ़ा रखी है न पूरी। अच्छा डीजल कितना लैंदा जी? ये 15,000 आन जाना जी, 300 किलोमीटर च 15,000 का डीजल खा जाता, ठीक है। तो भाई 15,000 रुपए का डीजल ले लेता। तो भाई बड़ा एक 20 लाख रुपए का बारदाना है जी, अपना सभी सिस्टम बना रखे हैं। और ये जो अर्जुन 605 ट्रैक्टर है जी, पिछला हिस्सा हैवी है सारा कुछ, ये ट्रोले के ही मतलब का ट्रैक्टर है भाई। वह चलाते खेती बाड़ी में, लेकिन जो इसका पूरा डिजाइन है वो हॉलेज के हिसाब से ही रखा गया है। तो आपने देखा भाइयों कि किस तरीके से जो ट्रैक्टर जोर मार रहा है। तो ये भी इनका एक अपना काम है जी, इससे रोजी रोटी कमाई जाती है, और ये कोई सस्ता काम नहीं है जी। 15,000 रुपए पर चक्कर डीजल है, बचत वचत तो बाद की बात है, और भी खर्चे हैं। और 20 लाख रुपए का ये सामान है जी पूरा, 9 लाख रुपए का ट्रैक्टर और जो है 11 लाख रुपए की ट्रॉली। उसके बाद भाइयों रिस्क इतना है इसमें बहुत ज्यादा। 25-30 घर दी जी? ओ किवें जी? 16 बंदे
भरने के लिए। ठीक है जी, भर देने 16 बंदे। ठीक है जी, 16 ही अगे हो। ठीक है जी, खाली करने वाले ते लहोंगे। ये आप लानी पैंदी है जी फैक्ट्री ची? फैक्ट्री ची ते आप लाओगे जी। ठीक है जी, ठीक है। तो भाइयों इनका कहना है कि 25 आदमियों की रोटी चलाता है जी ये ट्रैक्टर। ऐसा नहीं है कि भरने वाले वहां से लेना करना सब कुछ। तो भाइयों वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। धन्यवाद।